गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज डे टू है डलहौजी में और हम लोग जा रहे हैं खजियार एंड इट्स ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं पहले भी जा चुका हूँ, सो अगेन सो दिस विल बी लवीज फर्स्ट टाइम एंड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल व्यू, कैसे बादल आए हुए पीछे पहाड़ों में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। टेक केयर। और खजियार निकलने से पहले अ क्विक टूर ऑफ आर होटल एंड आर रूम। हम लोग रुके हुए होटल मोहन पैलेस में, जो कि डलहौजी खजियार रोड पे है एंड इट्स वेरी क्लोज टू दी गांधी चौक, तो मेन मार्केट से भी काफ़ी पास है, हार्डली 10 मिनट्स वॉकिंग पे। सो गाइस, दिस इज द रूम फॉर अ नाइट। You can enjoy a beautiful view outside. See this? This is the view from the room. और यहाँ से देख सकते हैं, आपको पूरा व्यू मिलेगा वैली का। This is the hotel restaurant where we are having our breakfast, and it has a nice view of the valley. और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल गए अपनी डेस्टिनेशन खजियार की तरफ। डलहौजी से खजियार का डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग जाता है वहां पहुंचने में। और जैसा कि देख सकते हैं कि रोड कितनी नैरो है यहां पे, सो प्रेफरेबली आप किसी ड्राइवर को हायर कर लें, या अगर आपको पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस है तभी फिर आप गाड़ी लेके यहाँ पे आए। सो गाइज, वी आर एट मिनी स्विट्जरलैंड खजियार। बहुत ही सुंदर जगह, आप पीछे व्यू देख सकते हैं, पूरे आसपास देवदार के पेड़ लगे हुए हैं और बीच में बहुत बड़ा खाली सा मैदान है एंड इट्स लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। गाइस, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, एक पीछे बहुत छोटी सी लेक है। तो ये भी कहा जाता है, इस लेक की डेप्थ अभी तक नहीं कोई बता पाया, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे और इसकी डेप्थ को मेजर करने की कोशिश की गई है बट इसकी डेप्थ कोई मेजर नहीं कर पाया। एंड देर इज़ वन मोर यू नो माइथोलॉजिकल स्टोरी अबाउट दिस लेक। ऐसा बोलते हैं, आप सुबह सुबह यहाँ उठेंगे तो बहुत थिक फॉग होती है लेक के ऊपर, विच आई हैव ऑल्सो सीन, और बोला जाता है कि यहाँ पर आके परियां नहाती हैं सुबह सुबह। तो इतनी सुंदर जगह है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। फर्स्ट इज़ यू कैन डू हॉर्स राइडिंग, आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक ट्रैक बना हुआ है आसपास, सो यू कैन एंजॉय दैट ऑन हॉर्स। और ऐसा भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल फार्म्स हैं और आड़ू और ये सब लगे हुए हैं, तो यू कैन डू गो एंड डू फार्म पिकिंग फ्रॉम देयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो कि एक्साइटिंग भी है काफ़ी, दैट इज़ पैराग्लाइडिंग एंड देन देयर इज ऑर्बिंग ऑल्सो। फॉल के अंदर आपको बिठा दिया जाता है और आपको ऊंचाई से नीचे ढकेला जाता है। तो दीज आर दी फ्यू एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू ओवर हेयर गाइज। और जैसे आप देख सकते हैं कि लवी पूरा स्ट्रॉल कर रही हैं, तो स्ट्रॉलिंग भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्ट हाउस, जो हिमाचल टूरिज्म के थ्रू आप बुक करा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। फिर थोड़ा सा आप और इधर जाएंगे, देन वी हैव फ्यू गेस्ट हाउसेज जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं,
और PWD के हैं. देन देर इज़ वन होटल देवदार एंड वो भी हिमाचल टूरिज्म का है, तो उसके थ्रू आप बुक करा सकते हैं. गाइस दिस इज़ दी एंट्री टू मिनी लेक, जो कि अभी बंद है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे साफ सफाई चल रही है और लोकल लोगों ने अपने डंगर गाय बैल सब यहाँ पे छोड़ दिए हैं. टीका कैसे रखना? टीका कम ही रखना. और जैसे ही हम ये खाने बैठे, गौ माता ने हमला कर दिया और हमें भाग के यहाँ से जाना पड़ा. खाते पीते क्या है? कुछ करेगा तो नहीं ये? यार ये तो बिल्कुल ही वैसे से है, बड़ा मायूस से है. इनको क्या कुछ वो कुछ पिला बिता तो नहीं रखा है? अफीम अफीम तो नहीं खिला दिए बेचारे? ऐसे ही मायूस से बैठे हुए हैं. एक महीने के हैं बस. सो गाइस दिस इज द प्लेस वी आर जस्ट हैविंग आवर लंच. तो यहाँ पे तीन चार छोटे छोटे ढाबे हैं, सो यू कैन एंजॉय अ लंच ओवर हियर. और पूरा आपको यहाँ से व्यू मिलेगा जब आप खाना खा रहे हैं. तो दिस इज द व्यू विच यू आर गेटिंग, यू कैन सी इन द बैक. गाइस खजियार में एक बहुत पुराना मंदिर भी है, खजी नाग मंदिर. जो खजी नाग का मंदिर है, इट इज डेटेड एट 12th सेंचुरी में बनाया गया था. इसके फर्स्ट जो वुडन स्ट्रक्चर था 12th सेंचुरी में था. देन आफ्टर दैट 16th सेंचुरी में उसको रेनोवेट किया गया, जहाँ के यहाँ के राजा थे चंबा के. गए जो आप बीच में ये घास देख रहे हैं, घास का पैच है, तो ये भी बोला जाता है कि दिस यू नो कीप्स ऑन मूविंग. तो ये कभी किसी जगह होगा लेक में, कभी किसी जगह होगा. तो जब भी आप आएंगे तो इट विल बी, यू विल फाइंड इट इन अ डिफरेंट प्लेस. तो ये भी एक मिस्ट्री ही है इस लेक की. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टेक केयर, बाय बाय.